नहीं, मेरा इस बार निर्णय हमने लिया है कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे लिए चुनाव लड़ना मैंने नहीं रखता, हमारे लिए 40 का 40 लोकसभा सीट जीतना मैंने रखता है। अभी नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनके शरीर दिमाग सब चीज काम करना बंद कर दिया है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि इतना बोझा मत उठाइए और अभी रिटायरमेंट ले लीजिए। अभी 4000 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था, मैंने फोटो देखा है कि मुख्यमंत्री जी बैठे थे और राजनाथ जी बैठे थे और मोदी जी पीछे खड़े थे, तो ये एक समय था। लेकिन आज ऐसा समय हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको पैर छू रहे हैं। सबसे आजादी के बाद सबसे लंबे समय का कोई मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जी हैं, तो हमारे बिहार का धरोहर है और इस तरीके से बिहार का इज्जत को नीलाम मत होने दीजिए। 2024 में सरकार दिल्ली में बनाएंगे और 25 में भी बिहार में सरकार बनाएंगे। हमारी जो लड़ाई है निषाद को आरक्षण, जब हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो ही पूरा होगा आरक्षण। मोदी जी को तो हमने 10 साल देख लिया कि उनसे उम्मीद रखे थे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, निषाद का आरक्षण लागू कर दे, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया ब्लॉक में हमें आने वाले समय में आरक्षण मिलेगा और पूरा निषाद समाज जो अति पिछड़ा समाज है पूरे बिहार में मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा है और इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा है। निश्चित तौर पे जब 2024 में सरकार दिल्ली में बनाएंगे और 25 में भी बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और हमारी जो विचारधारा है वो सीधा लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने वाले लोग हैं, तो हमेशा एक ही जगह रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपस में भाई है, आपस में नोक झोंक होगा, लेकिन मेरा घर निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय के साथ, लालू जी के विचारधारा के साथ हमेशा रहने वाले लोग हैं। और रहा कि जो बोल रहे हैं वो, उनसे पूछे कि वो कब तक रहेंगे, उनको भी समय मिलेगा, देख लीजिएगा कितना जल्दी वो बदल लेंगे पाला। रहा कि हम तो पार्टी चला रहे हैं, रहा कि विचारधारा की बात है, हमारे एजेंडा की बात है, तो उसके साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बहुत ही फायदा होगा और हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य है कि महागठबंधन में आए हैं, इंडिया ब्लॉक में आए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पूरे राज्य में मजबूती से काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट ट्रांसफर हो और हमारी प्रत्याशी सब जगह 40 से 40 जगह मजबूती से चुनाव जीते और हमारी जो लड़ाई है निषाद को आरक्षण, जब हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो ही पूरा होगा आरक्षण। मोदी जी को तो हमने 10 साल देख लिया कि उनसे उम्मीद रखे थे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, निषाद का आरक्षण लागू कर दे, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। तो अभी हमारे पास एक ही विकल्प है कि इंडिया ब्लॉक में जाकर और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। और राहुल गांधी जी का भी कहना है कि जिनकी जितनी आबादी है उनको उतना हक और अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया ब्लॉक में हमें आने वाले समय में आरक्षण मिलेगा और पूरा निषाद समाज जो अति पिछड़ा समाज है पूरे बिहार में मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा है और इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा है। नहीं, मेरा इस बार निर्णय हमने लिया है कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे लिए चुनाव लड़ना मैंने नहीं रखता, हमारे लिए 40 का 40 लोकसभा सीट जीतना मैंने रखता है। मैं फ्री रहूंगा तो 40 का 40 प्रत्याशी के लिए दिन रात मेहनत करके उनको जिताने का काम करूंगा। रहा कि 3 सीट हमारी पार्टी को मिला है तो उसपे हमारे पार्टी के स्तर पे चर्चा हो रहा है और पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब वही है कि अभी नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनके शरीर दिमाग सब चीज काम करना बंद कर दिया है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि इतना बोझा मत उठाइए और अभी रिटायरमेंट ले लीजिए। अभी 4000 सीट जीतने की बात कर रहे हैं तो शायद 4000 सीट मतलब हो सकता कुर्सी वाला सीट जीतने की बात करें, लोकसभा नहीं बात करते होंगे तो, नहीं इस पे भी हम लोग अभी नहीं मन बनाए हैं, पार्टी के पदाधिकारी लड़ेंगे। हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है, इतना पुराना साल से काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा उनके नेतृत्व में हमने भी काम किया है और मुझे बहुत दुख हुआ कि मुख्यमंत्री इतना सीनियर नेता रहे हैं। एक समय ऐसा था, मैंने फोटो देखा है कि मुख्यमंत्री जी बैठे थे और राजनाथ जी बैठे थे और मोदी जी पीछे खड़े थे, तो ये एक समय था। लेकिन आज ऐसा समय हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको पैर छू रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे पूरे बिहार के लिए अच्छा नहीं है, बिहारी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि ये सब चीज पे ध्यान रखिए, सिर्फ आप हमारे बिहार के धरोहर है, लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार का रिकॉर्ड आपके नाम पे है कि बिहार के सबसे आजादी के बाद सबसे लंबे समय का कोई मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जी हैं, तो हमारे बिहार का धरोहर है और इस तरीके से बिहार का इज्जत को नीलाम मत होने दीजिए। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।